नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत सकुशल होंगे अपने परिवार के साथ। ऑफलाइन क्लासेज हमारी चल रही थी, लेकिन सरकारी गाइडेंस के अनुसार जो है ऑफलाइन क्लासेज को एक समय के लिए विराम देना पड़ा, इसलिए फिर से हम जो है ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन में आए, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो सके, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और नज़दीक होने की वजह से जो है हम जो प्रक्रिया हमारी चल रही थी ऑफलाइन क्लासेज की वो अब पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऑनलाइन क्लासेज के ज़रिए जितना रिवीजन के अंदर बचा हुआ था या जो भाग हमारा हम रिवीजन करने से बच गए थे, उस भाग को अपन लेकर आगे चलते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यूट्यूब के माध्यम से आपको जो है वीडियोज़ अपलोड कर लिए जाएंगे जो भी अपने रिवीजन के दौरान है। आप अपनी जो आठवीं क्लास की डेस्कवर्क है उसमें से, ये आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से आप इस ग्रामेटिकल भाग जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप अच्छे ढंग से सॉल्व करिए, और जो भी समस्याएं आती है आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं और मैं उन समस्याओं का आपके समाधान कर दूँगा, ठीक है। और हो सकता है तो इस वीडियो में आपकी जो भी समस्याएं होगी अगले आने वाले वीडियो के अंदर जब आप मुझे भेजेंगे ये समस्याएं हुई है, तो मैं वीडियो में यहाँ जो आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। अपन टॉपिक कर रहे थे पैसिव को लेकर, एक्टिव पैसिव को लेकर, और एक्टिव पैसिव में अपन सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे थे जिसमें अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो भी सेंटेंस होते हैं उसको अपन ने कर लिया था। इज आर एम प्लस आई एन जी वाले या वाज वर्ब प्लस आई एन जी वाले सेंटेंस थे वो अपन ने कर लिए थे। आज अपन बात करते हैं हैज हैव को लेकर, बीन शायद ये भी हमने कर लिया था, और वे अब बात करते हैं मॉडल्स को लेकर कि मॉडल्स के अंदर जिस प्रकार से पैसिव अपन बनाते हैं उसमें अपन किस फॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये चीज़ आपको बताई हुई है, फिर भी एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर आपको जो है ये करवाई जा रही है। तो यहाँ मैं हेडिंग लगा देता हूँ पैसिव। अपन पैसिव वाला चैप्टर कर रहे थे, और पैसिव वाले में अपन अपने को ये करना है कि मॉडल जब आते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर सेंटेंस के रूम अंदर, तो हमें उस वाक्यों की पैसिव को किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार से उस सेंटेंस को बनाना है। तो अपन बात करते हैं, देखो पहले मैं यहाँ एक सिंटेक्स सबका लिखता हूँ, आप उसको बड़े ध्यान से देखिए। ये एक्टिव का सेंटेंस होगा जो आपको दिया हुआ होगा, और इस एक्टिव का सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो ढांचा बनेगा, जिस प्रकार से सवाल आएगा वो किस प्रकार से होगा, तो देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएंगे मॉडल्स, या मॉडल कह सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। और यहाँ फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो भी अदर सेंटेंस होगा, और पीछे जो है आपके क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। सामान्यतः आपके केवल सिंपल सेंटेंस का ही कोर्स में है, इसलिए हम सिंपल सेंटेंस को लेकर ही चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव या इंपरेटिव या एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सिंपल तक ही सीमित है, तो उस बात को लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पैसिव में जब मॉडल आता है या सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब उसको हम बोलते हैं, ये भी नाम है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, आपको लिखाया हुआ ये चीज़ कि सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है, मॉडल्स होते हैं, तो हम उसके लगकर चर्चा करेंगे। अब इस प्रकार का जब आपके सेंटेंस आएगा तो उसको आप पैसिव में कैसे बदलोगे, तो वो स्ट्रक्चर आप पहले लिख लो, ताकि आपको ध्यान में रहेगा ये चीज़ कि भाई ये पहले लड़ना है, ये बाद में लड़ना है। मैंने आपको दो चार चीज़ें पहले शुरुआत में लिखाई थी, और यहाँ मैं वापस आपको लिखा रहा हूँ कि पैसिव करते समय पहला काम हमारा जो होगा वो होगा वाक्य में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको किस बदलना है, सब्जेक्ट में। पहला काम तो हमारा ये होगा कि वाक्य में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। नंबर दो में अपन ने प्रयोग किया था हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब तो लगानी लगानी है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव का सेंटेंस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म बिना सहायक क्रिया के नहीं आती, तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा जो हमारा काम था वो था वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगाना, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, ये इस बात को लेकर आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। नंबर चार के अंदर अपन ने बात की थी कि इसके बाद जो है जो भी शेष वाक्य होगा जिसको अपन अदर का नाम दे दें वो ये चीज़ वो आएगा, और लास्ट के अंदर जब सब पूरे हो जाएंगे तो बाय के द्वारा जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा, और वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये चीज़ अपन कर चुके हैं। तो इसी प्रक्रिया के अनुसार देखो, ये तो सब्जेक्ट है,
ये मॉडल आ गया। अब हम इसको एच वी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सेकेंड ही हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम अपने को ऑब्जेक्ट पे चलना है, ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी अदर होगा वो तो अदर की श्रेणी में आ जाएगा, मैं उसको ज़्यादा लेकर वाक्य कितना ही बड़ा हो उससे हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल कहाँ तक चलना है, ऑब्जेक्ट तक चलना है। अगर ऑब्जेक्ट हमें मिल गया तो उसके बाद वाला सारा भाग जो होगा वो अदर में आएगा, शेष वाक्य में आएगा और उसको लेकर हमें चिंता नहीं करनी है। अब देखो जर, पहला हमारा काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट कोष्ठक में लिख रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये थोड़ा आप इसे जान लें। दूसरा हमारा काम था सहायक क्रिया को लगना हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। अब मॉडल्स के अंदर जो है मैं मॉडल लिख देता हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूज ना हो, मॉडल के रूप में आएगी और उसके बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा आप ध्यान रखें क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस में जाएंगे तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब ईआरएम प्लस आईएनजी होता है तो बींग लगाते हैं, वाज प्लस आईएनजी होता है तो भी बींग लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा होता है, आईएन जुड़ा होता है तो हम पहले उसके क्या लगाते हैं, बींग लगाते हैं, बींग के बाद में क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, ये बात हमारे सामने आई थी। उसके बाद अगर आपके सहायक क्रिया हैज या हैव या हेड होती है, ये भी इस बात को लेकर चर्चा कर चुके हैं कि इसमें अपने को उसके बाद में बीन लगाना है, बीन के बाद में क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और ये तीसरा फॉर्मूला ये है कि जब अपन मॉडल्स कोई हमारे वाक्य में आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या लगाते हैं, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ बी लगा दिया, बी के बाद में मैं क्या करूँगा, ये वाली वर्ब जो है वो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आ जाएगी, ठीक है, ये मॉडल यहाँ आ जाएगा। बी हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि नियम ये कहता है कि बी के बाद, सॉरी मॉडल के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन हमें पैसिव में क्या करना है, थर्ड फॉर्म करना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, बी जो फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। तो इससे दोनों का नियम की पालना हो जाएगी, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है और पैसिव में थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये दोनों बातें यहाँ पूरी हो जाएगी। इसलिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, ये थोड़ा आप इसे ध्यान रखें। उसके बाद में देखो, उसके बाद अपन लेना है अदर को, ओ टी एच ई आर अदर, अदर ले लिया। अदर के बाद हम जो है जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में बाय लगाएंगे, बाय प्लस होगा ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट होगा, उसको हम किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में। तो ये आपके प्रक्रिया रहेगी आपके पैसिव के सेंटेंस को बनाने की, जिसमें मॉडल वाले सेंटेंस जो है वो इस प्रकार से बनेंगे। अपन उदाहरण करके देखते हैं क्या है उदाहरण, देखो ये मैंने सेंटेंस लिखा है, ही विल गिव मी ए पेन। अब इस सेंटेंस को करके देखते हैं इस तरीके से, देखो ये जो मैंने लिखा है वो सेम टू सेम है, ये ही यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, ये यहाँ पे मॉडल के रूप में मैं लिख रहा हूँ, गिव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो आ रही है, मी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी सेंटेंस होगा वो किस में जाएगा, अदर में। हमें उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट तक चलना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि देखो सबसे पहला काम क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बनाना सब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है मी, और आपको मालूम होना चाहिए मी का सब्जेक्ट कर्ता जो बनता है वो बनता है आई। मी के सारणी के अंदर जब आप सब्जेक्ट को ढूंढोगे तो आई होगा और इसका संबंध जो होता है वो माई होता है। तो यहाँ पे मी का कर्ता क्या बन गया, आई, इसका मतलब ये आ गया। उसके बाद में क्या लेना, मॉडल। अब देखो विल या सेल दोनों में से एक होता है, ध्यान रखना, या तो अपन लगाएंगे विल या लगाएंगे सेल। अब ध्यान रखना कर्ता आई और वी, कर्ता आई और वी होता है जब तो हम लगाते हैं सेल, बाकी सब कर्ता के साथ आपको क्या लगाना है, विल लगाना है। तो या ही था तो विल लगे, लेकिन आई है, आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। तो या विल बदल गया किस में, सेल में, ठीक है। तो इसका काम भी हो गया। अब हमें मालूम है कि मॉडल के बाद क्या लगाना पड़ेगा, हमें बी लगाना पड़ेगा, ये जरूर बात ध्यान रखना, क्योंकि विल के बाद थर्ड फॉर्म या सेल के बाद थर्ड फॉर्म कर दी तो ये वाक्य अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि बी लगाना बहुत जरूरी है। तो आई सेल बी हो गया, तो मतलब किसका काम हो गया, ये हो गया, बी आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो गिव की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है गिवन,
ये बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी क्रियाएं, क्रियाएं याद नहीं करोगे तब तक आपके लिए काम नहीं चलेगा। क्रियाओं की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड मैंने बताया था आपको, और उस तरीके से आपको याद भी करना है। उसके बाद में ये तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास, दो रहा है, एक तो ही रहा है और एक पेन रहा है। अब दोनों में से पहले कौन सा आएगा, तो हम यहाँ लेंगे पहले अदर को, किसको लेंगे, अदर को। अदर कौन सा, ये वाला है, तो आई सेल भी गिवन ए हो जाएगा और ये पेन, तो ये भी चीज़ आ गई। अब लास्ट में क्या बचा है, ही बचा है, तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और ही का ऑब्जेक्ट जैसे मी का सब्जेक्ट किया था आई, वैसे ही का ऑब्जेक्ट करना है, और ही का ऑब्जेक्ट होता है आपके हिम। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, आई सेल बी गिवन ए पेन बाय हिम। तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा, फिर अपन जो है उदाहरण करते हैं, और हो सकता है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या यूट्यूब पर है तो वीडियो को आप आराम से पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, बड़े आराम से इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद उस वीडियो को आगे चलाना है, ठीक है, लिख लो एक मिनट। हाँ, अब अपन चलते हैं आगे, इसको मिटा दूं, आपके ध्यान में होगा ये चीज़, क्योंकि हमें एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, और एग्जाम्पल अपन अच्छे ढंग से करेंगे, ताकि हमारा जो सवाल जो है किसी भी प्रकार से परीक्षा के अंदर जो वो गलत नहीं हो, ठीक है। चलो मैं उदाहरण लिखता हूँ, आप भी साथ में लिखते रहें। ये पांच उदाहरण हैं, आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रयास करिए आप इसको करने का, फिर मैं इसको सॉल्व करके बता पाऊंगा आपको, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहां डॉटेड कर देता हूं, आप पहचान जाएंगे। मैं आपको वर्ब लिख रहा हूं, ये सब में फर्स्ट है, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब थोड़ा आप प्रयास कीजिए खुद, फिर अपन आगे चलते हैं। आप इसको रोक के भी प्रयास कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा समय हमारा ख़राब ना हो। अब देखो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, आप वीडियो को रोक के पाँच मिनट के लिए इसको सॉल्व करिए किसी रफ कॉपी में लेकर, फिर मैं जो बता रहा हूँ, उम्मीद है आपके सारे सवाल सही होंगे, फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो समस्या क्यों आई है आपके सामने में, जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको मालूम चल जाएगा, और आपकी जो त्रुटि होगी, आपकी जो गलती होगी, उस पर सुधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर,
मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल यहाँ पे मैं हेल्पिंग में लिख रहा हूँ, वर्ब में लिख दी, और ये क्या बन गया अपना ऑब्जेक्ट, क्या बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसको आगे लेना है तो अपन लेंगे ए न्यू शॉप, ले लिया। उसके बाद मॉडल की बारी आती है तो कर्ता आई और वी होते हैं, ध्यान रख लेना। सब्जेक्ट आई और वी जब होते हैं उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। बाकी सब के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कर्ता आई भी तो है नहीं, इसलिए हम विल का विल वापस लेंगे, ले लिया। अब उसके बाद हमें मालूम हमें क्या लगाना है, बी लगाना है, हमने बी लगा दिया। बी के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, तो ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया। अब बचा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म करनी है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन, हो गई, ये भी हो गया। अब लास्ट में अपने को सब्जेक्ट देखना, उसके बाद कोई चीज़ बची हुई नहीं है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो ये मोहन है तो मोहन के पहले बाई लगाना है, और मोहन का मोहन क्योंकि नाउन है तो नाउन का नाम आएगा। अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो अपने कर्म के अंदर बदल जाएगा, बाकी अपने को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसके अंदर रमेश सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये अपना क्या बन गया ऑब्जेक्ट, बन गया ऑब्जेक्ट। इसको लेंगे आगे तो मी का कर्ता, अभी मैंने बताया था आपको मी का सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आई, और सेल विल में आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। तो दो बातें तो हमारी हो गई। उसके बाद में हमें मालूम है मॉडल आता है, तो उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, बी लगा दिया हमने, और हेल्प की थर्ड फॉर्म करनी है, तो ये हो गया आपके हेल्प, तो ये भी गया। पीछे क्या बचा है, पीछे रमेश बचा है, तो यहाँ पहले अपने को बाई लगाना पड़ेगा, और रमेश का रमेश नाउन आ रहा है तो हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अब चलते आगे, राम सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, एम एच जो अपना क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, एम एच को ले लेते हैं आगे, तो आपके हो जाएगा एम एच, विल का विल ही रहेगा, और क्या लगाना पड़ेगा, बी लगा दिया, प्ले की थर्ड फॉर्म जो होगी आपके वो हो जाएगी प्लेड। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, पीछे रहा राम, तो पहले भाई लगाना पड़ेगा और उसके बाद में हम लिख देंगे राम, ठीक है। आई कैन लिफ्ट, देखो सेल विल होते हैं वो चेंज जाएंगे, बाकी जो सारे जो मॉडल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ये बदलते नहीं, ये अपनी जगह रहेंगे, चाहे सब्जेक्ट आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, ऑब्जेक्ट ये है, तो ये हो जाएगा आपके द बॉक्स, कैन का कैन ही आएगा, ठीक है। मॉडल है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बी, लिफ्ट की होती है थर्ड फॉर्म, लिफ्टेड हो गया, और उसके बाद में बचा है आई, तो आई का ऑब्जेक्ट जो होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो यहाँ पे क्या आ गया, मी आ गया। इसको देखते हैं तो ये एल्डर जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा वर्ब के तुरंत बाद वाला, ध्यान रखना ये पैसिव में आपको वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वही आपको ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं ELDERS, elders, should का should आ जाएगा, वापस मॉडल है ये। उसके बाद में क्या लग जाएगा, बी, बी लगने के बाद अपने को थर्ड फॉर्म करनी है, तो ये हो जाएगा रेस्पेक्टेड, ठीक है, हो गया, तीनों आ गए। अब पीछे बचा यू, यू सॉरी वी बचा है, तो बाई वी का ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है अस। इस तरीके से आपको जो है ये पैसिव वाले जो मॉडल्स वाले सेंटेंस आते हैं उसको सॉल्व करना है। हैज बीन, हैव बीन वाले अपन कर चुके हैं, इज आर एम प्लस आईएनजी वाले अपन कर चुके हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लगभग आपके ये मॉडल्स के साथ जो है पैसिव वाला आपका जो जितने कोर्स में है उतना लगभग हो चुका है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस को लेकर अपन बात करते हैं और सिंपल सेंटेंस में ये आपके सभी आ गए, ठीक है। रेफरेंस बुक में से आपको ये अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना है, या आपके पास जो डैशवर्क है उसमें भी कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पलों को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद अगर कोई आपके कहीं समस्या होती है पैसिव को लेकर, सिंपल सेंटेंस को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और जो भी समस्याएं होगी वो मैं आपको वीडियो बना के जो है उन समस्याओं का समाधान कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले जो है टॉपिक के अंदर, या तो आपकी समस्याएं आती है तो उसको सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद एक नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे। जब तक आप अच्छे ढंग से रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।